Hello, students. Very good morning to all of you and welcome to the VL Academy. How are you all? I hope you will be fine. So, let's begin today's lecture. Today, we are going to talk about a tiger in the zoo. Let's begin poetry. He stalks in his vivid strip the few steps of his cage on pads of velvet, quiet in his quiet race. Tiger moves up and down of his skis. The stripes on his body are of a strong bright color the tiger moves quietly on his velvet pads he is full of rage but is quiet because he knows that he is helpless there tiger up and down move कर रहा है अपने cage में अपने ही पिंजरे में वह up and down move कर रहा है वह घूम रहा है उसकी बॉडी पे bright color की stripes हैं क्लियर उसकी बॉडी पे जो है ब्राइट कलर के स्ट्रिप्स हैं जो उसे और ज्यादा सुंदर बनाती हैं द टाइगर मूव्स क्वाइटली ऑन इज वेलवेट पैड्स वह अपने पंजों को जो कि गद्दीदार है उनको बहुत ही क्वाइटली बहुत ही धीरे से रखता है ही इज फुल ऑफ रेस बट इट क्वाइट उसके मन में हलचल हो रही है मन में क्रोध है गुस्सा है लेकिन वह शांत है क्यों शांत है बिकॉज ही नोज दैट ही इज हेल्पलेस हेयर क्योंकि उसको पता है वह इस पिंजड़े में हेल्पलेस है असहाय है मजबूर है वह कुछ नहीं कर सकता है इस पिंजड़े के अंदर ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वॉटर होल वेयर प्ल्प डियर पास लुकिंग एट द इम्प्रजेंट टाइगर अब आप अगर एक इम्प्रजेंट टाइगर को देखो जो कि किसी पिंजड़े में बंद नहीं है जो कि अपनी फ्रीडम के साथ घूम रहा है अगर आप उस टाइगर को देखो तो पोएट यहाँ पर बताती हैं कि ही सेज़ डैट द पुअर टाइगर शुड हैव बीन इन नेचुरल हैबिटेट ये जो पिंजड़े में टाइगर है अगर वह नेचुरल हैबिटेट में होता तो किस तरह की एक्टिविटीज करता या फिर जो नेचुरल हैबिटेट में टाइगर होते हैं वह किस तरह की एक्टिविटी करते हैं देन एट दिस पॉइंट ऑफ द नाइट ही वुड हैव बीन लाइंग इन द शेडोज ऑफ़ ट्रीज एंड स्लाइडिंग क्विटली थ्रू द लॉन्ग ग्रास अब अगर वह जंगल में होता या तो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो वह क्या करता रात के समय जब रात होती तो टाइगर पेड़ों के नीचे जो हरी घास है ग्रीन ग्रास है उसकी जो बड़ी सी ग्रास है ना उसके पीछे छुप करके आराम से लेटा होता देयर नियर द वॉटर होल ही वुड बी वेटिंग फॉर सम फैट डियर ऑफ पास डेट अवे जहाँ पर एक पोखर बना हुआ है एक पौंड बना हुआ है तालाब बना हुआ है उसके पास वह जाता और वेट करता एक मोटे से डियर का जो उसके पास से गुजरता तस ही वुड बी लाइंग देयर इन एक्सपेक्टेशन ऑफ आ हैी फिस्ट इस प्रकार वह वहाँ पर लेटा होटता एक हैवी शिकार की तलाश में कि उसका शिकार आएगा और वहां पर वह उसको uh, मारेगा और खाएगा ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज ब्रिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लॉ टेरिजिंग द विलेज हे आर द पोएट इमेजिन्स वॉट द टाइगर वुड बी डूइंग इन केस ही फेल्ड टू फाइंड एनी प्ले इन हिस नेचुरल हैबिटेट अब यहाँ पर जो पोइट है वो ये शो कर रहा है वह इमेजिन करवा रहा है वह इस चीज़ की कोशिश कर रहा है कि एक जो रियल टाइगर है और एक जो केस टाइगर है इन दोनों में डिफरेंस किस तरीके से करना है सो हेयर द पोइट इमेजिनस वॉट द टाइगर वुड बी डूइंग इन केस ही फेल टू फाइंड एनी प्रे इन हिज नेचुरल हैबिटेट यह जो टाइगर है केज में यह फेल हो चुका है पूरी तरीके से यह नेचुरल हैबिटेट में जा कर के अपने शिकार को नहीं पा सकता है ही सेज डैट द टाइगर वुड बी ग्रोलिंग एट द एज ऑफ जंगल नियर सम विलेज टाइगर क्या करते हैं वह जंगल पे जाते हैं और जंगल के पास में जो विलेज होता है वहाँ पर जाते हैं और ग्रोलिंग करते हैं मीन्स जैसे आपने देखा होगा कि जो टाइगर है वह अपने दांत दिखाता है और थोड़ा सा गुर्राता है डेट अ ग्रोलिंग तो ग्रोलिंग करते हैं एज ऑफ द जंगल नीयर सम विलेज कुछ गाँव के किनारे आ, कुछ गाँव पे जा करके जंगल के किनारे ही वुड बी शोइंग हीज़ वाइट फैंक्स एंड क्लॉज वाइल मूविंग हेयर एंड देयर वह अपने दांत दिखाते रहते हैं ग्रोलिंग करते रहते हैं अपने पंजों को शो करते रहते हैं और यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं ही वुड बिकम अज ऑफ ट्रेरर फॉर द विलेजर्स और यही कारण होता है कि वह लोगों को अपने टेरर में रखते हैं डरा करके रखते हैं लोगों को भयभीत करके रखते हैं द पोइट हियर गिव्स अ हिंट डैट इफ़ वी डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ टाइगर्स दे विल बी फोर्स टू टर्न टू आवर टाउन्स एंड विलेज टू फाइंड दियर फूड तो पोएट यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रही है कि अगर हम फ़ॉरेस्ट को ख़त्म कर देंगे अगर हम नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म कर देंगे अगर हम जंगलों को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो जो टाइगर हैं वो क्या करेंगे वो अपने फूड को फाइंड आउट करने के लिए टाउन्स पे विलेजेस पे आएंगे क्लियर उनको आना ही पड़ेगा बिकॉज दे विल बी फोर्स टू टर्न टू आवर टाउन्स उनको मजबूरी में हमारे टाउन्स पे आना पड़ेगा हमारे विलेजेस पे आना पड़ेगा फ़ूड को तलाश करने के लिए फ़ूड को लेने के लिए but he is locked in a concrete cell. His strength behind bars, stalking the length of his skis, ignoring visitors. अभी आप अगर चिड़ियाघर जाते हो तो आपने टाइगर को देखा होगा उसकी एक्टिविटी किस तरह की होती है राइट right? वो लॉक है टाइगर क्या है लॉक है एक कंक्रीट सेल पे वहां पर उसको बंद कर दिया गया है हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स वो जो सलाखें लगी हुई हैं इसकी स्ट्रेंथ कहाँ है उस बार के पीछे छिपी हुई है उस बार में ही है उस बार के जो पीछे छिपी हुई है इसकी स्ट्रेंथ बिगस वो टाइगर उस बार के पीछे है स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिस की इग्नोरिंग विस्टर्स तो पोएट यहाँ पर यह देखता है कि जो टाइगर लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल इन दू चिड़ियाघर की उस कंक्रीट सेल में बंद है स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ ही नाउ लाइज इम्प्रीजेंट बिहाइंड द बार्स इतनी सारी ताकत होने के बावजूद इतनी सारी स्ट्रेंथ होने के बावजूद वह उन सलाखों के पीछे है वेरी स्लोली एंड सैलेंटली ही मूव्स अप एंड डाउन एलॉन्ग देंथ ऑफ द केज जितना बड़ा भी पिंजड़ा है जितना बड़ा भी केज है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग वह अप एंड डाउन वहीं पर मूव कर रहा है उसी पिंजड़े के अंदर मूव कर रहा है ही टेक्स नो नोट ऑफ द विस्टर्स हु कम टू द जू टू हैव अ लुक एट हिम वहाँ पर जितने भी विस्टर्स आ रहे हैं उसको देखने के लिए तो जू में जैसे विस्टर्स जाते हैं जैसे आप लोग जाते हैं तो टाइगर को देखते हैं बट बहुत कम है कि टाइगर आपकी तरफ देख ली राइट तो उसी तरीके से वह सारे विस्टर्स टाइगर को देख रहे हैं और टाइगर अपना ही इधर उधर देख रहा है वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है उन सारे विस्टर्स को जो उसे देखने के लिए गए हुए हैं जू में ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट ब्रिलियंट स्टार्स टाइगर नोज नो रेस्ट ड्यूरिंग दे टाइगर को पता है कि दिन में उसे रेस्ट नहीं मिल सकता बिकॉज ऑफ द तो विस्टर्स क्योंकि विस्टर्स वहाँ पर आते हैं जिसकी वजह से वह डिस्टर्ब होता है इवन एट नाइट ही रिमेन्स डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द नॉइज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स और जब रात होती है तो उस टाइम पर जो लास्ट वॉइस उसके कानों पर जाती है वह पेट्रोलिंग करती हुई कार की होती हुई जंग जो चिड़ियाघर में घूमती रहती पे है पेट्रोलिंग करती रहती है ही कीप्स स्टेयरिंग एट अ ब्रिलियंट स्टार्स विथ हीज ब्रिलियंट आइज वह चमकते हुए सितारों को आसमान में जो सितारे हैं जो स्टार्स हैं जो ब्राइट हैं जो चमक रहे हैं उनको वह देखता है अपनी ब्रिलियंट आइज से अपनी ब्राइट आइज से पर इज आस्किंग शायद वह पूछने की कोशिश कर रहा है व्हाई ही हैज़ बीन इम्प्रजेंट देयर कि उसको क्यों यहाँ पर बंद करके रखा गया है क्यों यहाँ पर एक जेल में रखा गया है क्यों यहाँ पर एक कंक्रीट सेल में रखा गया है इज ही द मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट क्या वह एंटरटेनमेंट करने का साधन है क्या उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वह फॉरेस्ट फॉरेस्ट के लिए ना बना करके उस चिड़ियाघर के लिए बनाया गया है ऑल लाइट स्टूडेंट्स सो दिस वॉज योर पोएट्री अ टाइगर इन द जू आई होप यू कॉट अ पोएट्री इन अ ग्रेट वे एज यूजल क्वेश्चन आंसर का जो पी डी एफ है वह डिस्क्रिप्शन में एज अ लिंक दिया हुआ है देन यू कैन गेट द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम देयर सो थैंक यू हैव अ गुड डे